व्हाट इज़ अप फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के इस व्लॉग में काफ़ी टाइम बाद घर का व्लॉग बना रहा हूँ अभी, और मैंने हेलमेट भी काफ़ी टाइम बाद तैयार किया है, हेलो क्या कहते हैं गोप्रो को माउंट करने के लिए। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ नबी के घर, और यहाँ पे खड़ी है हमारी स्कूटी। तो मैं स्कूटी के ऊपर, मतलब उससे पहले स्कूटी के ऊपर नहीं, सॉरी, उससे पहले गोप्रो को हेलमेट के ऊपर माउंट करता हूँ और फिर चलते हैं नबी के घर पर। तो अभी मैंने क्या कहते हैं गोप्रो को हेलमेट के ऊपर माउंट कर दिया है, और यहाँ पे गर्मी ही बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब हेलमेट को माउंट करने, गोप्रो को माउंट करते करते सारा पानी पानी हो गया मैं पसीने से। तो फिलहाल स्कूटी को स्टार्ट करके यहाँ से निकलते हैं यार, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चले, सो फिलहाल मैं अभी हाईवे पे यहाँ पहुँच चुका हूँ, और जैसे मैंने कहा था गर्मी काफ़ी ज़्यादा, और हेलमेट के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, मतलब बाहर तो फिर भी इससे तो कम ही थी, इतनी भी थी, मतलब बाहर भी काफ़ी थी, अच्छी बात नहीं है, लेकिन अंदर तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है। लेकिन फिलहाल क्या कहते हैं चल रहा हूँ, तो शायद इस वजह से थोड़ी सी कम है, मतलब इतनी नहीं लग रही है, लेकिन जब खड़ा होऊंगा ना कहीं रुकूंगा मतलब कि, तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगी। खैर अभी वहाँ पहुँचते हैं। बस आज पता क्या, आज हमने क्या कहते हैं वो गाना, एक गाना अपलोड करना है, मतलब जो कल रिलीज़ होगा हमारे चैनल के ऊपर, मतलब कल रिलीज डेट है इसलिए कल वो रिलीज़ होगा, तो आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ अभी वहाँ पर, क्योंकि एक्चुअली जो जिसमें लैपटॉप में हमारा अकाउंट लॉगिन है वो लैपटॉप वहीं है, स्टूडियो में रखते हैं या उसके पास ही रखते हैं, मतलब कि क्योंकि नबी के घर में तो वहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा एक्स्ट्रा कहीं और लॉगिन करते नहीं हैं अकाउंट, इस वजह से। खैर छोड़ते हैं, मौसम में केशू को बोला था मैं 3 बजे तक पहुँचूँगा, खैर अभी 3:30 हो चुके हैं, तो उसने उम्मीद रख रही दी होगी कि मैं ही रहूँगा, क्योंकि उसके बाद हमने कहीं और भी जाना, थोड़ा सा वहाँ भी काम है, मतलब क्या कहते हैं केशू का अकाउंट ज़रा वेरीफाई कराना है, तो वहाँ जाना है उसके लिए, इसके लिए मतलब कि राइडर्स, यार मैं भी किसी दिन ऐसे जाऊँगा। इन्होंने गोप्रो तक लगा रखा कि शायद ब्लॉगर्स तो नहीं होंगे शायद, ये बाकी पता नहीं यार, पर ट्रैवलर्स तो है ही हैं, थोड़ा सा फास्ट चले उनके, और भी कोई आ रहा है क्या पीछे, नहीं यही तो ही है मेरे ख्याल से, इकट्ठे ही रूम में, किसी दिन हम भी चलेंगे ऐसी लॉन्ग राइड पे ब्लॉगिंग करते करते। अभी मैं नबी घर तो, मतलब केशव घर तो पहुंच गया हूँ, लेकिन इसने बंद क्यों कर रखा है स्टूडियो, आज तो मंगलवार भी नहीं है। वैसे ड्रैक में पीछे भी था, क्या हो गया, जोर से नहीं हो, गलती से गिर गया यार, एक मिनट, वैसे मैं साइड में को भी जा सकता था यार। अभी ऐसे घर पहुंच गया हूँ मैं पीछे, और यहाँ पे देखो सोया हुआ है आराम से, अभी थोड़ी देर में जाएंगे कि स्टूडियो में। यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ऊपर देखें ना तो बारिश हो रही है यहाँ, इधर सारा देखो मौसम, इधर तो खैर साफ ही है, इधर का मौसम देखो कितना ख़राब हो रहा है, सारे में बारिश बारिश हो रखी है। अभी मैं हेलमेट रखे हूँ, हेलमेट मेरा भाई था ना उसको अंदर रखे है, कहीं गिल्ले ना हो जाए इस वजह से। अभी यहाँ पे हमारी एक चाय बन रही है इस टाइम, लाइट तो खैर है नहीं, तो आपको दिखाने लायक तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी केशु बना रहा है चाय, अभी बाहर खड़ा है और सामने प्याज वगैरह अंदर दिखा रहा है, पर अभी आप मेरे को यहाँ देख नहीं पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ लाइट ही नहीं है, क्या कर सकते हैं, तो मैं फ़ोन के फ्लैश ऑन करता हूँ, हाँ आप दिख रहा होगा, सो लाइट यहाँ पे है नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, यहाँ पे हमारी चाय बन रही है और केशव भी बाहर है, और यहाँ पे भी आज कम कर रखी है। अभी हम वहाँ से तो आ गया, हम अभी आगे जा रहे हैं, अभी हम कहाँ जा रहे हैं, इसका केशव का KYC कराने जा रहे हैं पेटीएम के ऊपर, ताकि पेटीएम चल पाए, इसका पेटीएम चल नहीं रहा था ना, तो पेमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इस वजह से हम इसका पेटीएम का KYC कराने जा रहे हैं अभी, तो फिलहाल अभी चलते हैं, बस चल के चल ही रहे हैं वहाँ से, और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब और मस्त हो रखा है यहाँ पर इस टाइम, ला यार तेरी मान लेता हूँ, 40 की स्पीड भी चलते हैं फिर, अब
एक को क्या कह रहा हाँ इन्हें चकन डेरी मार का खेतों में ही सारा खेतों में पड़ा हाँ कटी भी नहीं अभी बड़ी है लेट कर रहे काम ये तो खड़ी है अभी तक क्या होगा इनका यार यहाँ पे स्पीड ब्रेक कराते हुए साइड में से निकालते हुए और ये बस सेफ जोन में आ गए हम तो अभी यहाँ से हमको अंदर को मुड़ना है पीछे देखते हैं कुछ नहीं आ रहा है और यहाँ से अभी सबने इंडिकेटर दे रखा है मतलब हमको भी उधर ही जाना है ये देख तो ये माइक का दिक्कत आती है थोड़ी सी तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा क्या कह रहा कुछ नहीं जो दुकान तो पता है ना कौन सी है केशु हाँ दुकान पता कौन सी है हाँ कौन सी है यहीं पे है कौन सी अच्छा चल ठीक है पहुंच गए फिर हम स्कूटी कहीं पे खड़ी करते हैं इंडिकेटर मैंने बंद नहीं करा था हम इसका केवाईसी कराते हैं चलो फिर चलते हैं अभी वापस केवाईसी तो यहाँ हुआ नहीं अभी मुझे याद आया कि पेटीएम की केवाईसी आजकल बंद कर रखे हैं गवर्नमेंट ने तो अभी हमारा कोई भी केवाईसी नहीं हो पाएगा हम उसके ऊपर अकाउंट नहीं खुलवा सकते तो इस वजह से वो भी नहीं खुलवा पाएगा तो अब हम वापस जा रहे हैं घर पे और यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न ले लेता हूँ कुछ नहीं आ रहा है सो लेट्स गो भाई अपने साइड जाओ यार हमको भी थोड़ी सी जगह तो क्या अच्छा हाँ बिंदु भाई सामान मंगाया था कहाँ से उधर पीछे और पीछे चलो भी चलते हैं वापस कहाँ यार मिंद्र पूछा था भाई यहाँ जाना क्या ज्यादा बन रहा ठोक दूंगा तेरे को हड्डियां भी नहीं मिलेंगी चलो अभी सामान तो ले लिया है बैठ सेब लेने यहाँ पे कहाँ कहाँ इधर रुक गया अच्छा तो अभी सब्जी उठा ली हमने यहाँ से मतलब खरीद ली है अभी हाँ वापस जा रहे हैं अभी हम और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है इंडिकेटर तो बंद ही है सो अभी हमने लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट का इंडिकेटर देते हैं और राइट देख के लेफ्ट मुड़ जाते हैं क्या बोल रहा है मौसम क्या देख क्या खतरनाक हवा चल रही है बस उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ आती आ रही होगी मतलब कि माइक की वायर ना हिल रही हो यहाँ पे रोड भी काफ़ी चौड़ा हो जाएगा बाद में वहाँ तक जहाँ जहाँ फुटपाथ बन रखा हूँ साइड है मतलब कि कहाँ पे ठीक है बंद है ये वाला चीज़ खराब हो रखा था यार पीछे पता नहीं लग रहा था कुछ है कि नहीं है अभी हम दोबारा से केशव के घर से आ गए हैं केशव मेरे पीछे बैठा है इस टाइम ये देखिए ये बैठा है यहाँ पे और अभी हम जा रहे हैं मार्केट की साइड वहाँ तरह दोस्त से कुछ काम है उसके पास जा रहे हैं अभी पहले वो था नहीं अभी अभी आया है तो अभी उसने फ़ोन किया है तो अभी वहीं जा रहे हैं फिर
और यहाँ पे तूफान काफी ज्यादा तेज चल रहा है। क्या कह रहा? तूफान काफी ज्यादा तेज चल रहा है, पॉलिथीन उड़ रहा है, उड़ते उड़ते पता चल गया। लो भाई, भाई के पास पहुंच गए हम। उस साइड में वो करूँ यार, भाई से तो मिल लिए हैं, तो वापस जा रहे हैं नवी घर पे। यहाँ से देते हैं हम पास, ये रह गया ट्रक पीछे। अभी मतलब कि जो काम था वो लगभग हो ही गया है, तो अभी वापस जा रहे हैं। देखिए लिफ्ट मांग, दिखनी है दो बंदे बैठे हैं यहाँ पे, है केशु? बंदा लिफ्ट मांग रहा, दिखे नहीं पहले दो बंदे बैठे हुए, बंदा वहाँ लिफ्ट मांग रहा, वहाँ पहली दिख नहीं रहे भी दो बंदे पहले बैठे हुए। और स्पीड लिमिट 25 की है, मैंने देखी नहीं, जो बता दे करना भी स्पीड लिमिट कम है। क्या बताता क्यों नहीं भी स्पीड लिमिट कम है? तो बुरी ना है, वहाँ 50 पर ला था है, क्या बोल रहा? 110 पर लगा दे, 110 चल जाएगी, 90-56 जाती है। अरे लो भाई, हम पहुंच गए नवी घर पे वापस, और यहाँ पे लाइट भी आ गई है। स्टूडियो चाबी ले क्या, फिर स्टूडियो खोल, लैपटॉप भी ले आई हो। आज मैं क्या कहते हैं, नवी घर से तो आ चुका हम लोग, घर से आ चुका जो मेरे साथ ही बैठा है हम पीछे, और अभी मैं अब जा रहा हूँ अपने घर वापस। और गाना अभी अपलोड नहीं हुआ क्योंकि अभी एडिट होके पहुँचा ही नहीं हमारे पास, तो जैसे ही पहुँचते हम सस्ता उसको अपलोड कर देंगे, आज ही अपलोड करेंगे बस। तो लगभग उसने कहा, एडिटर ने कहा है कि एक घंटे के अंदर अंदर शायद भेज देगा हूँ, तो देखते हैं एक घंटे के अंदर पहुँचता कि नहीं। अभी यहाँ पे 10:45 हो रहे हैं इस टाइम, तो लगभग 11:30 तक तो भेज देगा शायद, 11 नहीं तो 12 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा, तब तक हमारा गाना आ जाएगा। और तब तक केशव भी मेरे साथ चल रहा है घर पर, और लैपटॉप भी हमने चक ही लिया है, तो लैपटॉप लेके हम मेरे घर ही जा रहे हैं, वहीं पर जाके अपलोड कर देंगे। और मैंने अभी खाना भी नहीं खाया, भूख लग रही है, तो किसी ने भी खाया उसको भी भूख लग रही होगी शायद से, तो हम घर जाके खाना खाते हैं। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, सामने से हमारे ट्रक आ रहे हैं, और यहाँ पे इस टाइम इतनी ज़्यादा अच्छा लग रहा है स्कूटर चलाते हुए, लेकिन लाइट सामने से डायरेक्टली पड़ रही है ना, तो उस वजह से दिखता नहीं है कई बार, तो फिलहाल तो सामने से कुछ आ ही रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये गाड़ी हमारे सामने से यहाँ से जा रही है, हाई बीम की थी शायद से, पर मुझे दिख रहा था यार हाई बीम के बाद भी, पर पता नहीं, यहाँ 50 की स्पीड लिमिट गई है ना। हाँ, 50 से नीचे ही हूँ मैं, 50 ही है वैसे एग्जैक्टली, ज़्यादा कम भी नहीं है, क्योंकि 50 ही गए तो 50 रखेंगे, ना ऊपर ना नीचे, ऐसे ऊपर तो जा ही सकते हैं, बस नीचे नहीं जाना चाहिए ना, हमें रूल्स का पालन करना चाहिए। अभी शायद आपको कहीं ज़्यादा हवा की आवाज़ ना आ रही हो, आ सकती है क्योंकि मैंने अभी शीशा ओपन कर रखा है, क्योंकि अगर मैंने शीशा नीचे कर दिया तो सामने जब लाइट पड़ती है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये ट्रक या बस, बस गई एकदम से, ये अभी शायद सामने से एम्बुलेंस आ रही है, हाँ एम्बुलेंस ही है, चलो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। और मार्केट एरिया में यहाँ पे सारी की सारी दुकानें इस टाइम बंद हो चुकी हैं, रात ही 11 बजे तक कौन ही खुला था, 9 बजे बंद कर देता वो सारी दुकानें, तो आप देख सकते हैं सारी की सारी दुकानें इस टाइम यहाँ पे बंद है। ये भी उठा ले, ये भी उठा ले। तो भाई घर तो पहुँच गए, स्कूटी को सीजन में खड़ी कर देता हूँ, सेट रखो क्या उसे खोल के, स्कूटी को खड़ी करते हैं अंदर। तो अभी दोस्तों हम फाइनली मतलब कि घर पे पहुंच चुके हैं, तो अभी तक जब से वीडियो आती है हम पब्लिश कर देंगे। तो फिलहाल केशव यहाँ पे हमारे चीज़ में पता नहीं क्या कर रहा है, खाने पीने का। चलो खैर इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करते हैं, अगला ब्लॉग किसी और दिन शूट करेंगे। सो बस आज के इस ब्लॉग में इतना ही, अगर को मेरा ब्लॉग पसंद है वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।